बिहार के महागठबंधन में लगातार खतरा मंडरा रहा है। तमाम अलग अलग दल अपनी अपनी राह पर चल पड़े हैं। इस बीच पप्पू यादव ने अलग थलग होते दलों को एकजुट करने की कवायद शुरू की है। मौखाता सुपौल में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इस दौरान पप्पू यादव ने कुछ खास बातें कही, जिसको बिहार की सियासत के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। बकौल जेपी संरक्षक पप्पू यादव, मोदी सरकार देश के टुकड़े टुकड़े करना चाह रही है। किसानों के साथ जो जुल्म हो रहा है वो उस पर रोक लगा पाने में नाकाम है। उन्हें गलत तरीके से जेल में डाला गया और अब भी सत्ता के लोग उनके खिलाफ रणनीति बना रहे हैं। साथ में पप्पू ये भी बोले कि देश के लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए तमाम दलों समेत पूरे देश को कांग्रेस के साथ खड़े होने की जरूरत है। जब तक ऐसा नहीं होगा, केंद्र सरकार की मनमानी पर रोक नहीं लगाई जा सकती। जेपी संरक्षक के इस बयान को बिहार की सियासत के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है, लेकिन मौजूदा हालात का अगर रुख करें तो सूबे का हर दल अलग राह पर चलकर अपनी पैठ बनाने की कोशिश में है।